हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको अपने गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू प्रेजेंट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने टेरेस पे कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। ये मेरा चंपा का प्लांट है और उसके बीच में जो है मैंने अगेव के प्लांट लगा के रखे हुए हैं। उसके बाद फिर से ये चंपा का प्लांट है और फिर ये अगेव के प्लांट है। तो इस तरह से एक कॉर्नर पे मैंने चंपा और अगेव को मैनेज कर रखा है। फ्रेंड्स, ये जो है प्लांट्स जो है काफ़ी धूप टॉलरेट कर लेते हैं और इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए जो है मैंने बड़े प्लांट्स के बीच में एक छोटा प्लांट लगा के प्लस कम हाइट और ज़्यादा हाइट वाले प्लांट लगा के और एक तरह के क्लाइमेट को और पानी की रिक्वायरमेंट को सूट करने वाले प्लांट्स एक तरह लगा के और इस कॉर्नर को अपने मेंटेन करके रखा हुआ है। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और इनके बीच में मैंने मेरे स्नेक प्लांट के 3-4 पॉट्स लगे हुए हैं जो कि मैंने कटिंग से तैयार किए थे या फिर मेरे जो स्नेक प्लांट्स के जो बीच में से इसकी रूट्स ने जो किया था, स्प्राउट किया था, उनको मैंने सेपरेट किया था उसके बीच में। आदि ये फिर अगेन मेरा यह हिबिस्कस का प्लांट है। तो इस तरह से बड़े प्लांट्स के साथ मैंने फिर से छोटे प्लांट्स को अरेंज किया है और एक ही वैरायटी के प्लांट्स बीच में अरेंज कर दिए हैं। तो उनकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट जब होती है तो इजी रहता है कि किन प्लांट्स को जो है ना हमें एक दिन में पानी देना है या दो दिन में पानी देना है। तो जो एक वैरायटी के प्लांट्स हैं उनको मैंने एक साथ लगा के और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट और उनकी सन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्लेस किया है। इधर आते हैं तो ये मेरे एक पिलर है, उसके चारों तरफ मैंने डेविल्स बैकबोन का प्लांट लगा के रखा हुआ है। तो ये वेरीगेटेड डेविल्स बैकबोन का प्लांट है और वेदर चेंज हो रहा है इसलिए इसकी थोड़ी लीव्स जो है वो और भी वेरीगेशन में आ रही हैं। इसमें रेड कलर दिखाई दे रहा है इस प्लांट में भी, देखिए। तो इस तरह से ये मैंने जो है अपने इस पिलर को 3 साइड से जो है अगेव के डेविल्स बैकबोन के प्लांट से इसको मैंने अरेंज किया है। यहाँ पर फिर मैंने एक ही तरह के प्लांट्स एक साथ रखे हैं ताकि जब मैं पानी डालूं तो रेगुलर उनमें पानी का जो जितने दिन के डिस्टेंस के बाद मैंने डालना है तो एक साथ वो कवर हो जाता है। और इसके बाद जो है ये मेरे बोगनवेलिया के प्लांट्स हैं, इन कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक साथ अपने बोगनवेलिया के प्लांट लगा के रखे हुए हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और तो अगेन मैंने फिर वही है कि एक वैरायटी के प्लांट्स इकट्ठे लगा रखे हैं ताकि जो है उनको किस प्लांट को कितनी सन चाहिए और कितना वाटर चाहिए, तो एक साथ रहने से क्या होता है कि प्लांट्स जो है उनको कितने दिन के बाद पानी देना होता है तो कन्फ्यूजन नहीं होती है, किसी में ज़्यादा या किसी में कम होने से रूट रोटिंग वगैरह या फिर प्लांट्स डाई होने का रहता है। और इस तरफ फिर मेरा जो है चंपा का प्लांट लगा हुआ है और ये एक और प्लांट है मेरा जामुन का प्लांट लगा के रखा हुआ मैंने, जो कि सीड से निकाला था। और इधर फिर मेरा चंपा का प्लांट है और यहाँ पर जो है ये मेरे लेमन के कुछ प्लांट हैं। ये एक मेरा वाटर टैंक था जो कि मेरा टूट गया था, जिसको जो है मैंने काट के और उसके ऊपर जो है मैंने अपनी ग्रास लगा के रखी हुई है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, जो कि अब रूट पकड़ चुकी है और स्प्रेड हो रही है। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर एक ग्रास का एक मेरा एक वो बेस तैयार हो जाएगा। और उसके आसपास इधर फिर मैंने जो है मॉस रॉस के प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। इस वक्त शाम का टाइम है इसलिए इनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही प्लांट है उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरा फ्रेंड्स अजवाइन का प्लांट है। तो क्या है कि उस टब को कवर करने के लिए मैंने एक ऐसा प्लांट आगे लगा के रखे हुए हैं जो थोड़े से बुशी हैं। और जब ये अभी इसकी मैंने कटिंग करके हटी हूँ क्योंकि एक बहुत लगी से हो रहे थे और उसकी वजह से उसके ऊपर फ्लावर्स काफ़ी कम आ रहे थे। और इधर फ्रेंड्स मैंने जो है ट्यूलिप्स लगा के रखे हुए हैं अमेरेंथस के। और ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है और ये मेरे जो है फाइकस के प्लांट है। तो ये जब टब कवर हो जाएगा और ये अगेन से थोड़ा सा ग्रीन हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये दोबारा से ग्रीन, थोड़ा सा बुशी बुशी सा लुक देगा। तो दूसरी तरफ आते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरा
शतावरी की बेल है। मेरे यहाँ पे दो प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं, एक ये रहा शतावरी का और एक और यहाँ पे है। इस वक्त जो है विंटर्स आते ही शतावरी जो है वो इसके ड्राई होना शुरू हो जाती है, और जब समर्स आएंगी तो ये अगेन यही प्लांट्स दोबारा से ग्रीन हो जाएंगे। तो इस वक्त जो है ये बिल्कुल जो है डॉर्मेंसी में जाने वाली है प्लांट्स, इसके सारे के सारे लीव्स जो है वो शेड कर रहे हैं। और इधर आते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरा प्लांट है, इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। इस वक्त इसके फ्लावर ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सुंदर इसके ब्लूइश पर्पलिश कलर के फ्लावर हैं आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वेदर चेंज हो रहा है और इस वजह से इसकी लीव्स जो है वो स्प्रिंग ऑटम में इसकी जो है लीव्स वो झड़ने के लिए की वजह से पीली हो रही हैं। और इधर आते हैं तो ये मेरे दुरंटा के प्लांट है, एक ही पॉट में मैंने 4-5 लगा रखे हैं। इसको जो है मैंने टोपियारी बनाना है, और दूसरा फिर मेरा सा एक और पॉट है जिसमें मैंने जो है ना दुरंटा लगा रखी है, 4-5 प्लांट्स हैं, इसकी मैं टोपियारी तैयार करूँगी। और ये मेरा फाइकस का प्लांट है, और इधर फिर मेरे ये जो पॉट है इसमें फाइकस लगा हुआ है। और ये मेरा मोगरा का प्लांट है, दो मेरे पॉट्स हैं जिनमें मैंने 3-3, 4-4 प्लांट्स लगा के रखे हुए मोगरा के। जब ये बुशी हो जाएंगे, थोड़े से पुराने हो जाएंगे, तो मैं इनको सेपरेट कर लूँगी। एक बड़े से पॉट में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो जल्दी उनके डाई होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जब वो प्लांट छोटे होते हैं तो मैं एक साथ 3-4 पॉट में लगा देती हूँ, ताकि एक दूसरे को के साथ ग्रुप में रह के वो सर्वाइव कर जाते हैं। और अगेन ये मेरा एक और प्लांट है, इसके ऊपर फ्रेंड्स ये देखिए एक पर्पल कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, जो कि 1-2 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर से पर्पलिश कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए फ्लावर कितना सुंदर सा, कितना प्यारा सा है। और इसकी भी लीव्स जो है अब ऑटम की वजह से जो है ड्राई हो रही हैं। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स की इस तरह से इस पार्ट का मेरा ये लुक ऐसा सा आता है कुछ। और ऊपर भी मैंने जो है ना अगेव के प्लांट रखा हुआ है, और ये भी मेरा मॉस रोज का प्लांट है। तो ये मेरा साइड का, जब ये मैं सामने से इसको देख के चलती हूँ, तो अभी मैंने थोड़ा सा अपने प्लांट्स कुछ यहाँ से पॉट हटाए हैं, और इसको अभी मैंने दोबारा से अरेंज करना है विंटर्स के फ्लावर्स वगैरह लगाने के लिए। और ये फिर एक रूफ मेरे जो टॉप है उसके एक पिलर के ऊपर मैंने एक जाल लगा रखा है, ग्रिल लगा रखे, उसके ऊपर भी मैंने आगे यहाँ पे सारे मॉस रोज के प्लांट लगा के रखे हुए हैं, अलग अलग कलर्स में हैं। ये मेरा वाइट कलर का मॉस रोज जैसे भी खुला हुआ है, शाम का टाइम है 5 बजे के आसपास का, तो इस वक्त सारे जो है स्प्रिंट हो जाते हैं। तो और ऐसे ही इसके ऊपर एक ये देखिए पिंक कलर का फ्लावर आया हुआ है, तो शाम के टाइम जो है ये इसके फ्लावर्स स्पेंड हो जाते हैं, यहाँ पे भी आए हुए हैं। और वैसे भी इसके जो फ्लावर का सीज़न जाने वाला है, तो सब इस अब इसके ऊपर से इसकी बुशेस वगैरह ही रह जाएंगी, तो इसको मैं थोड़ा ट्रिम कर दूंगी ताकि मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए इनको थोड़ा सर्वाइव कर रखूँ और ग्रीनरीज की मेनटेन करके रखूँ। और इधर भी ये मेरा मॉस रोज का प्लांट है, जिसकी मैंने अभी थोड़े दिन पहले कटिंग की थी, और इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते थे। अभी भी इसके ऊपर एक फ्लावर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए इसके ऊपर ये येलो कलर के यहाँ पे फ्लावर आ रहा है। तो ऐसे ही मैंने अपनी जो वॉल है टॉप की, उसके ऊपर जो है कुछ ऐसे प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे ये अगेव का प्लांट है, ये मेरा सदाबहार का प्लांट है, इसको भी मैंने ट्रिम किया था, इसके ऊपर भी बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स आते थे। और ये फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरी एक इस और नए पार्ट आगे आते हैं उसमें, तो ये मेरे फिर बहुत सारे अजवाइन के प्लांट्स हैं। वेदर चेंज हो रहा है, इससे जो है इसकी लीव्स जो है वो सारी की सारी सूख रही हैं, और अब ये जो है नया दोबारा से नई स्प्राउट करेगा। और ऐसे ही ये मेरा जो है पीछे दोबारा से मेरे सदाबहार के सारे पॉट्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन इनको जो है मैंने ट्रिम कर दिया, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत सारी लगी सी हो रही थी, और इनको मैंने ट्रिम कर दिया है। तो इसके ऊपर जो है अब नए दोबारा से स्प्राउटिंग होगी, और फिर दोबारा से इसके, क्योंकि ये सदाबहार के प्लांट है तो इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फ्लावरिंग होती ही रहती है। और इस वक्त जो है इसके जो इसने अपने सीड्स डेवलप किए थे, और सीड्स की वजह से जो है ना मेरे सभी पॉट्स में जो है ये देखिए इसके सीड्स जो है दोबारा से वो होके और नए सीडलिंग्स तैयार हो चुकी हैं। तो इसके मेरे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पॉट्स हैं जिसके अंदर ये सीडलिंग्स तैयार हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँ तो अगर पुराने प्लांट हटा देती हूँ, तो मेरे नए प्लांट्स की सीड्स तैयार सीडलिंग हो चुकी है।
और इधर जो है फ्रेंड्स मेरे एरेंथेमम के प्लांट्स हैं। एरेंथेमम की भी मेरे पास 5-6 वैरायटी है, जैसे कि ये रेड लीफ वाला एरेंथेमम है, ये जो है वेरीगेटेड है ब्लैक ग्रीन, और बैक साइड से इसकी जो है रेगुलर की लीव्स होती हैं। अभी ये जो है ड्राई हो रही है, इस वजह से इसके अंदर येलोनेस आ रही है, अदरवाइज ये बैक से रेड रहती है। और ये सारे के सारे मैंने इस तरफ इस सेक्शन में मैंने एरेंथेमम की सारी अपनी अपने पॉट्स रखे हुए हैं। अगेन ये मेरा एक एरेंथेमम का प्लांट रखा हुआ है, और ये है इस तरह से अगर ऊपर देख के चलते हैं तो सारा का सारा मैंने यहाँ पर अपनी वॉल के ऊपर सारे अगेव के प्लांट लगा के रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं अगेव जो है वो थोड़ा कांटेदार प्लांट होता है, तो इस वजह से उसको मैंने वॉल पे रखा है ताकि आते जाते इसके कांटे हमें टच ना हो। और ये मेरा जो एसी का है, इसके उसके ऊपर जो है मैंने ये एक अपना मेरा एडेनियम का प्लांट रखा हुआ है। एक और मेरा एडेनियम है वो जो नीचे पड़ा हुआ है, बाकी मेरे पास 5-6 और थे जो कि ओवर वाटरिंग होने की वजह से डाई हो गए हैं। और ये फ्रेंड्स मेरा ओलियंडर का प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर आ रहा है, ये पिंक कलर का फ्लावर है, और कुछ फ्लावर्स हैं जो शेड कर चुके हैं। इसमें एक पॉट में 2 प्लांट्स हैं, एक लाइट पिंक कलर का और एक डार्क पिंक कलर का। तो इस तरह से इस पार्ट को भी मैंने इस अरेंज ऐसे किया हुआ है। ये मेरा ड्रायसिना का प्लांट है, और इधर फिर आगे मैंने जो है एक थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार करके रखा हुआ है। सेंटर जो है मैंने एक टेराकोटा का पॉट रखा हुआ है लेग्स वाला, जिसके अंदर मैंने अपना ड्रायसिना का प्लांट लगाया हुआ है, और दोनों साइड में मैंने अगेव के प्लांट लगा रखे हैं। और आगे ही मैंने जो मार्बल चिप्स हैं उनके बीच में एक जो माउंटेन स्टोन है एक वो रख के इस पार्ट को डेकोरेट किया है। और इधर जो है फ्रेंड्स ये सारे के सारे मेरे सारे बेले यहाँ के प्लांट्स लगा रखे हुए हैं, और इनको जो है मैंने इनकी भी टोपियारी बना के रखनी है। तो ये मेरे एक एक पॉट में जो है 3-3, 4-4 प्लांट्स लगा रखे हैं ताकि जो है मेरी ये बुशी तैयार हो। और ये इधर दोबारा से ये मेरे इस तरह से पूरी की पूरी रो जो है ये इसी तरह से ही है। मैंने यहाँ पर जो है एक हेज सी तैयार करके रखनी है, और एक ये भी सेम प्लांट है, इसका इस वक्त मेरे माइंड में नाम नहीं ध्यान रह रहा है। और इसकी जो है मैं यहाँ पर एक बुश तैयार करके रखूँगी, और इनसे मैं जो है इन प्लांट्स से जो है सेम जो छोटे उसमें रखे हैं इनकी मैं टोपियारी तैयार करूँगी। फ्रेंड्स ये मेरा लालसा का प्लांट है जो कि मैंने बास्केट में लगा के रखा हुआ है, तो ये बहुत सुंदर सा लुक देता है। नीचे की तरफ को ये कास्केट स्टाइल में वो कर रहा है, ऊपर पूरा भरा हुआ है, और आगे ये कास्केट की तरह फॉल करके रखा हुआ है, तो नीचे ग्रीन और ऊपर रेड कलर का एक बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये पीछे कुछ मेरे जो है ये कॉर्न्स के मक्का बाई चांस मेरी मेड ने डाल दिया था, तो वो उसके जो है ऑटोमेटिकली स्प्राउट कर गया और ये कॉर्न्स के जो है मेरे प्लांट उग गया है। और ये मेरा चांदनी का प्लांट है, इसके ऊपर भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स ये देखिए इसके ऊपर फ्लावर्स आए हुए हैं, ये देखिए। तो और इस तरह से जो पीछे का व्यू है ये बहुत मतलब जैसे इसको पूरा का पूरा कवर करके चल रहा है। दूसरी तरफ आते हैं तो ये दोबारा से मेरे फाइकस के प्लांट्स हैं, और ये फिर मेरा एरेंथेमम का प्लांट है, ये भी एरेंथेमम का प्लांट है। तो ये मेरे अगेन मैंने इस पिलर के आसपास जो है ना सारे के सारे अपने फाइकस के प्लांट लगा के रखे हुए हैं, और पिलर के ऊपर जो है मैंने एक टायर लगा के ग्रिल रख के फिर कुछ एक जो है मैंने अजवाइन का प्लांट और फाइकस सॉरी मेरे चंपा वगैरह के प्लांट लगा के रखे हुए हैं। तो इस तरह से ऊपर वाला पार्ट भी मैंने कवर करके रखा हुआ है, और पिलर के सराउंडिंग्स में भी मैंने इस पार्ट को ऐसे कवर कर रखा है। और देखें तो ये सामने से इसकी कुछ इस तरह से व्यू बन के आता है। और फ्रेंड्स ये है मेरा पार्ट वन। अगले नेक्स्ट पार्ट टू में मैं जो है ना अपने बचे हुए रूफटॉप की जो गार्डन ओवरव्यू है वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय। फ्रेंड्स लास्ट में जो है दोबारा से मूव करते हुए जो है मैं अपने इस गार्डन के ओवरव्यू को आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ऐसे आगे मूव करते हैं तो इस तरह से मेरे प्लांट का व्यू आता है। फ्रेंड्स ये मेरे ओलियंडर के प्लांट्स हैं, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से जो है मेरे वॉल के आसपास मैंने प्लांट्स जो है मेरे प्लांट्स का ऐसे व्यू आता है। ये हो गया, ये जट्रोफा का प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स ये देखिए ये तो कुछ इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये ऑटम का सीज़न है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे इसकी लीव्स शेड कर रही हैं,
तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरे कुछ गार्डन का व्यू आता है, ये देखिए। सो थैंक यू, बाय।